इंडिया गठबंधन को अलविदा कहकर एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार शामली पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी पूरी तरह सत्ता पक्ष के रंग में दिखे। अब तक जिस विपक्ष का वो हिस्सा थी उस पर हमलावर हुए। उनका दावा था कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, यहां तक कि उनके पक्ष में चुनावी माहौल भी नहीं है। जयंत चौधरी शामली क्षेत्र के कैडी और जलालाबाद गांव पहुंचे थे। उन्होंने साफ किया कि एनडीए में आरएलडी घटक दल के रूप में शामिल हुई है। कैराना लोकसभा सीट गठबंधन में बीजेपी के पास है, इसलिए यहां बीजेपी के सिंबल कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी ने कैराना सीट से अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। गठबंधन का साथ होने के नाते आरएलडी के वर्कर पुरजोर तरीके से गठबंधन कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे और जिताकर संसद भेजेंगे। वहीं आपको बताते चले कि आरएलडी के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद कुछ लोगों खासकर जाट समाज की नाराजगी सामने आने के सवाल पर जयंत चौधरी खुलकर बोली। उन्होंने कहा, मुझसे तो अक्सर जाट नाराज हो ही जाते हैं, मगर उन्हें मना लेता हूँ। कुछ वे मेरी मान लेते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ। हरियाणा में सीएम बदलने के सवाल पर जयंत ने कहा कि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, वैसे कुछ कारण रहे होंगे जिन्हें बीजेपी ने महसूस किया होगा और बदलाव किया। जयंत ने कहा कि केंद्र सरकार कई योजनाएं किसानों के लिए लाई है, कई योजनाओं को जल्द लाया जाएगा। आइए सुनते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार शामली पहुंचे जयंत ने क्या कुछ कहा। चौधरी साहब, एनडीए से विलय हुआ है, क्या कहेंगे, कितनी सीटें मिलने वाली हैं? हम लोग घटक दल के तौर पे शामिल हुए हैं, दो पार्लियामेंट की सीट लोकसभा में हम लड़ रहे हैं, बाकी सब जगह हमारे कार्यकर्ता, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। उम्मीदवार घोषित भी हो चुके हैं, सब लोगों को साथ देना चाहिए। अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, बात कर रहे हैं, करेंगे, यही तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मजा लो। एनडीए में जाने के बाद जाट काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं आपसे? नहीं, मुझसे तो अक्सर नाराज ही रहते हैं, मना लेता हूँ, कुछ मेरी मान लेते हैं, कुछ मैं उनकी मान लेता हूँ। हरियाणा की सीटें मिलने जा रही है? जीत तो मुझे लग रहा है हर सीट भी दिखाई दे रही है मुझे। विपक्ष के लोग, उनके पास कुछ बताने को नहीं है कि हमें वोट क्यों दें। अभी तक मुझे कोई ऐसा माहौल या कोई मुद्दा या कोई प्रचार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि विपक्ष का नेता खड़े होकर कहेगा कि इसलिए हमें वोट दीजिए, क्योंकि तो वोट मांगने की स्थिति नहीं है। हरियाणा में सीएम बदल दिया गया, एनडीए का कहेंगे क्योंकि गठबंधन था, तो क्या आपका चुनाव कुछ कारण रहे होंगे? अब 10 साल वो रहे खट्टर जी, तो कुछ कारण बने होंगे, पार्टी ने उसको महसूस किया। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हरियाणा के संबंधित है, क्योंकि जाट वहाँ पर काफी नाराज दिखाई दे रहा था। आपको चारों तरफ जाट नाराज क्यों दिखते हैं? नहीं, हम गए हैं ना, हमने लोगों से पूछा है तो बताते हैं कि एनडीए में जाने से, क्योंकि आप आवाज उठाते थे पहले। जाट समाज का हिस्सा है, वो एक जाति है, अकेले एक जाति के लोग रहते नहीं, सब जगह हैं। आप टारगेट करके बार बार जाटों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मत किया। जय जी, कि किसान पार्टी है आरएलडी, अब किस तरह से एनडीए से विलय हुआ है तो किसानों की बातों को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा? किसानों के लिए भारत सरकार की कई योजनाएं किसानों के लिए बनी है और आगे और बनेंगी, और जहां लोकदल की थोड़ी भी भूमिका रहेगी, हमारा कोई भी प्रतिनिधि होता है किसी सदन में होता है, और अब हम लोग सरकार में है, उसका यही हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों के लिए कुछ और बेहतर फैसले हम लोग करा। ठीक, तो ऐसे में अब देखना होगा आने वाले चुनाव में बीजेपी को यूपी में कितने सीटों पर जीत मिलती है। आपको क्या लगता है? आप भी हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें खबर पुस्तक के साथ।